हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अनुवांशिकी जेनेटिक्स। इसका आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3rd में हमने जाना था अनुवांशिकी से संबंधित कुछ परिभाषाएं और हमने नियमों के नाम जाने थे कि कौन कौन से नियम मेंडल ने अनुवांशिकता से संबंधित दिए थे। आज हम इन नियमों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार जो मेंडल ने एक संकर संकरण क्रॉस करवाया तो एक संकर संकरण क्रॉस के परिणामों पर आधारित है ये नियम, प्रभाविता का नियम। ये नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विप्रयासी लक्षणों का क्रॉस करवाया जाता है, अध्ययन किया जाता है या क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और जो अपना प्रभाव दिखाई नहीं देते हैं वो कौन कौन से लक्षण कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो ये नियम क्या कहता है इसको लिख के हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है, ये है नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। बस एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? एक संकर संकरण के नियम जो है उसके परिणामों पर आधारित है, ठीक है? अब ये नियम क्या कहता है कि जब हम एक लक्षण के लिए ठीक है, कोई भी एक लक्षण है उसके लिए विप्रयासी समयुग्मजीवी पादपों का संकरण करवाया जाता है, एक लक्षण के लिए विप्रयासी समयुग्मजी पादपों का संकरण करवाया जाता है, ठीक है? तो संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में जो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है कौन सा लक्षण कहलाएगा? प्रभावी लक्षण कहलाता है। यानी जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाएगा उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है कौन सा लक्षण कहलाएगा? अप्रभावी लक्षण कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है, जब एक लक्षण के लिए विप्रयासी समयुग्मजीवी पादपों का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं तो वो प्रभावी लक्षण होते हैं और जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। उदाहरण क्या कहता है कि शुद्ध या समयुग्मजी देखो ये क्वेश्चन देखेंगे आगे जब क्रॉस आएगा उसमें कि समयुग्मजी
समयुग्मजी लंबे पौधे का। तो ये जो जैन प्रारूप हमने लिखा है वो शुद्ध या समयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब इसके अंदर जो एलील है, देखो ये दोनों एलील है, युग्म विकल्प भी है, वो जब समान हो तो उन्हें समयुग्मजी बोलते हैं। तो इसमें दोनों एलील क्या है, समान है, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसलिए क्या होते हैं समयुग्मजी। और कैपिटल टी कारक किसको प्रदर्शित करता है, लंबेपन के कारक को कैपिटल टी प्रदर्शित करता है, तो समयुग्मजी लंबा, इसका मतलब ये शुद्ध है, इसमें दोनों युग्म विकल्पी समान है, इसलिए क्या है शुद्ध। तो शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधे को शुद्ध या समयुग्मजी बोने पौधे से संकरण करवाते हैं। अब इसको हम किससे संकरित करवाते हैं, शुद्ध या समयुग्मजी बोने पौधे से। तो इसका जीन प्रारूप हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल टी से संकरित करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं। अब देखो हमने देखा था कि जब आपस में जनकों का क्रॉस करवाते हैं तो जो हमें लक्षण वाले जीव प्राप्त होते हैं, जो पीढ़ी प्राप्त होती है, उस पीढ़ी को हम कौन सी पीढ़ी कहते हैं, F1 पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। कौन सी पीढ़ी में होंगे, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कौन से प्राप्त होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे हम करवा के देखते हैं, ये कैपिटल टी ठीक है, चलो इसको ऊपर अलग मिटा के करते हैं। जैसे हमने लिखा समयुग्मजी लंबे पौधे, लंबे पौधे, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, समयुग्मजी, समयुग्मजी लंबे पौधे, कैपिटल टी ठीक है। अब उसके बाद में इसका क्रॉस बोने पौधे से करवाते हैं, ये भी क्या है, समयुग्मजी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल टी ठीक। अब इसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है और युग्मक बनते हैं, तो ये तो क्या कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इधर एक ये कैपिटल टी, ठीक है, और ये स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी, तो इस प्रकार ये क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। जब इसके इसको युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी तो ये दो भागों में बट जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इनका दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं, ये हमने लिए, ये हम ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, ये और वो ले सकते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये जो पौधे प्राप्त होंगे वो किस पीढ़ी के होंगे, F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं, और ये संकरित लंबे या अशुद्ध लंबे होंगे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, संकर लंबे या अशुद्ध लंबे। तो ये जो पौधे प्राप्त होंगे वो कौन से पौधे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे या अशुद्ध लंबे। तो इसमें देखो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि F1 पीढ़ी में जो अपना
जो लक्षण अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं। अब इनमें देखो, एक तो बोनेपन का लक्षण है और एक है लंबेपन का। FNPD में कौन सा लक्षण प्रभाव दिखाई दे रहा है? लंबेपन का। इसका मतलब लंबापन यहाँ पे क्या है? प्रभावी लक्षण है। और बोनेपन का प्रभाव नहीं परिलक्षित हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा होगा? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो ये जो नियम है वो कौन सा नियम कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। उसके बाद में सेकंड नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। सेकंड नियम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखो, इसमें आपको मुख्य मुख्य बातें जो ध्यान रखनी है, यहाँ पृथक्करण नाम शब्द आया है, ठीक है। अब पृथक्करण बनेगा तो उस स्थिति में देखो, जब हमने FNPD प्राप्त की जिसमें संकरित लंबे या शुद्ध लंबे पादप थे, अब उसका जब क्रॉस करवाते हैं तो F2PD प्राप्त होती है। तो F2PD जब प्राप्त होगी तो उसमें जो लंबेपन का लक्षण अलग होगा और जो बोनेपन का लक्षण क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसलिए ये जो है वो जो पृथक्करण का नियम है या युग्मकों की शुद्धता का नियम है, तो ये एक संकर संकरण के परिणामों पे आधारित नियम है। तो ये किसके बाद का होगा? FNPD का जब क्रॉस करवाते हैं उस स्थिति में जो हमें लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नियम जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब ये नियम क्या कहता है इसको पहले लिखते हैं अच्छे से, उसके बाद में इसको क्रॉस के द्वारा समझने वाले हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या बोलते हैं कि जब FNPD के संकर से युग्मक बनते समय, जब FNPD के संकर, अब देखो FNPD का संकर क्या था? ये था, इसको आप लिख दो। जब FNPD के संकर या ये क्या है? विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, FNPD के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी अब देखो, एक तो ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये क्या है? एलील है, युग्म विकल्पी है, ठीक है। एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते, ठीक है। और जब अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे तो उस स्थिति में इस नियम को कौन सा नियम बोलते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, यह इसको पृथक्करण की जगह आप लिख सकते हो वी संयोजन का नियम के नाम से भी जानते हैं, वी संयोजन का नियम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं? कि जब FNPD के संकर कैपिटल टी स्मॉल टी
या इसको बोलते हैं विषम युग्म, जिससे जब युग्मक बनते हैं तो उस स्थिति में ये दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे पृथकण का नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? तो जब प्रत्येक युग्मक होता है, प्रत्येक युग्मक, तो प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक लक्षण के लिए एक एलील होता है, जैसे कैपिटल टी लंबेपन के लिए और स्मॉल टी बौनेपन के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? कि जब F1PD के संकर से युग्मक बनते हैं तो दोनों युग्मक जो है वो अलग अलग युग्मकों में चलक जाते हैं, इसे पृथकण का नियम कहते हैं इसीलिए। और जब प्रत्येक युग्मक जो बनते हैं उसमें एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी उपस्थित होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे हम उदाहरण के रूप में इसको लिखते हैं, ध्यान से देखना, इसमें एक क्रॉस के रूप में इसको हम लिखेंगे। जैसे समयुग्मजी लंबे, चलो इसको मिटा के लिखते हैं इसको, तो ध्यान रखना ये जो नियम है, देखना इसमें जैसे हम क्रॉस करवाते हैं समयुग्मजी लंबे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक, उसको समयुग्मजी बोने, स्मॉल टी से क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस का मतलब इसमें संकरण करवाते हैं। उस स्थिति में ध्यान से देखना इसको होता क्या है, तो F1PD के जो सभी संकर होते हैं वो विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। तो देखो, हमने देखा था इसके युग्मक बनेंगे कैपिटल टी, चलो इसको, और कैपिटल टी बनता है इधर, स्मॉल टी और स्मॉल टी बनता है, इनका जब क्रॉस करवाते हैं तो ये इस प्रकार प्राप्त होता है, तो ये F1PD है। ठीक है, तो F1PD में जो संकरित पौधे प्राप्त होते हैं या जो संकर प्राप्त होते हैं वो क्या होंगे? विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे। तो ये जो पौधे प्राप्त होंगे वो कौन से पौधे होंगे? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब देखो, इसमें ये विषम युग्मजी लंबे पौधे होते हैं, उसमें दो प्रकार के एलील होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये प्रभावी होता है, ये अप्रभावी होता है, लेकिन ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ रहकर भी ये आपस में एक दूसरे को संदूषित नहीं कर पाते हैं। संदूषित का मतलब इसमें लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कैपिटल टी जो है वो हमेशा प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा और स्मॉल टी जो है वो हमेशा अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता रहेगा। तो जब ये आपस में मिले हैं उस स्थिति में, देखो यहाँ पे प्रभावी है और यहाँ पे अप्रभावी है,
तो प्रभावी वाला और अप्रभावी वाला F1 पीढ़ी में मिलते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी में मिलने के पश्चात भी ये क्या होते हैं, एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, प्रदूषित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जब इनसे F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, उस स्थिति में F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, उस स्थिति में ये क्या होते हैं, जब युग्मक बनते हैं तो पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखो यहाँ इसका F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये होता है चेकर बोर्ड, इसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये नर और ये मादा, ये टी और ये टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब देखना इसमें ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, इसका इससे क्रॉस करवाओ और अब इसका इससे करवाओ, इसका इससे करवाओ और इसका इससे करवाओ, तो ये हमारे पास कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। अब ये प्रथम पीढ़ी में जो है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण आपस में मिले हुए हैं, युग्म विकल्पी आपस में मिले हुए हैं, इसलिए एक दूसरे को संदूषित नहीं कर पाते हैं। और जब इनसे युग्मक बनते हैं सेकंड स्थिति में, यहाँ पे भी ये युग्मक बन रहे हैं, एक तो टी और एक स्मॉल टी। अब इन F2 F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो इसमें सेकंड एक और ले लिया, जैसे नर वाले और ये मादा वाले, अब इनका क्रॉस करवाते हैं तो जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, और उसमें जब युग्मक बनते हैं तो ये युग्मक बनते समय अलग अलग युग्मकों में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात जब युग्मक का निर्माण होता है तो ये युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जिस कारण F2 पीढ़ी होती है उसमें बोनेपन का लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है। तो देखना इसमें, अब देखो ये कैपिटल टी और कैपिटल डी, तो ये क्या हो गया, समयुग्मजी लंबा हो गया, समयुग्मजी लंबा। ये बताओ ये समयुग्मजी बोना, ये विषमयुग्मजी लंबा और ये भी क्या है, विषम युग्मजी लंबा, ठीक है। अब देखो F1 पीढ़ी थी उसमें बोनेपन का लक्षण पूर्णतया गायब हो गया, दिख रहा है कहीं लंबापन है, लेकिन ये विषम युग्मजी हो गया, लंबेपन का लक्षण है। और जब युग्मक बनते हैं सेकंड पीढ़ी में, तो युग्मक बनते समय ये एलील है वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और जिससे बोनेपन का लक्षण, देखो यहाँ पे बोनेपन का लक्षण पुनः प्रकट हो गया, F1 पीढ़ी में बोनेपन का लक्षण गायब और F2 पीढ़ी में बोनेपन का लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एक तो लक्षण प्रारूप, जिसकी हमने परिभाषा लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, एक होता है जीन प्रारूप जीनोटाइप, जीनोटाइप। अब देखो लक्षण प्रारूप का अनुपात, लक्षण प्रारूप का मतलब होता है लक्षणों की बाह्य प्रतिति, सजीव की बाह्य प्रतिति क्या कहलाती है, लक्षण प्रारूप। तो लक्षण इसमें देखो प्रारूप में यदि हम देखें तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसमें लंबे पौधे कितना है, क्योंकि हमें इसकी जीन प्रारूप वो अनुपात नहीं देखना है, सिर्फ लक्षण प्रारूप देखना है। और बोना, दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, लंबे और बोने, तो इसमें लंबे पौधे का अनुपात कितना आ रहा है, 3, और बोने पौधे कितना प्राप्त हो रहे हैं, 1, तो लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होगा, 3:1 होता है। इसी प्रकार यदि हम जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप में देखो सबसे पहले समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी लंबा
उसके बाद में विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा और सम युग्मजी बोना, ठीक है। जब इसका हम अनुपात देखते हैं तो सम युग्मजी लंबे पादप कितने हैं, एक, विषम युग्मजी लंबे पादप कितने हैं, दो, और सम युग्मजी बोने पादप कितने हैं, एक। तो इस प्रकार इसका जीन प्रारूप कितना आता है, एक अनुपात दो अनुपात एक प्राप्त होता है, और लक्षण प्रारूप जो होता है वो तीन अनुपात एक हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब उसके बाद में जो है वो हम पढ़ेंगे, अगला हमारा जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल का जो थर्ड नियम है, जिसे हमने नाम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये नियम द्विसंकर संकरण जो प्रक्रिया है उसके परिणामों पे आधारित होता है। तो इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, और उसी के साथ हम देखेंगे कि मेंडल का जो नियम है उनका कौन कौन सा महत्व है, कहाँ कहाँ उन नियमों का उपयोग किया जाता है, तो वो सब जो है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं।